वैध टोकन अनुसार आम धान किणवा प्रतिश्रुतिबद्ध आम दे राज्य जो मान को वैध टोकन दि जाइए से अनुसार आम धान किणुचु एवं किणवु आगामी मार्च मास 31 तारीख पर्यंत राज्य धान किणा कार्यक्रम जारी रहिबो। आपण माने देखिबे गत खरीफ तुलन में चलित खरीफ रे 25 प्रतिशत नाममात्र चाषी और 20 प्रतिशत अधिक क्षुद्र चाषी सरकार को धान विक्रय कर सारे एवं यह प्रक्रिया जारी रही। आम प्रकृत रजिस्टर्ड चाषी जो माने अच्छा जो मान पाखे वैध टोकन अच्छी से धान किणवा कार्यक्रम कर चलीचु कौन सी उपाय रे ए कार्यक्रम जिते आर्थिक संकट है केंद्र सरकार आमर एपर्तंत जाके आमर सब्सिडी मनी देना तथापि आम ए कार्यक्रम को जारी रखीचु एवं ये कार्यक्रम जारी रेणु कौन सी उपाय रे जो माने रजिस्टर्ड चाषी जो माने प्रकृत में भूत चाषी नुहति जो माने आम सिस्टम अच्छा समस्त को आम से कार्यक्रम करूँ एवं दबू बर्तमान सुधा आप देखिए गतकाली सुधा 55.03 लाख मेट्रिक टन धान क्रय करा गत खरीफ यही दिन सुधा 45.61 लक्ष मेट्रिक टन किणा तेणु आप देखिए चलित बर्ष आम बर्तमान सुधा धान संग्रह राज्य 21% वृद्धि करी आगे अच्छे ए दिस इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस विरोधी कार्यक्रम होला कार्यक्रम ताकर निजर पर्सनाल एजेंडा अच्छी आम बेपारिक धान किणीपर बाहर राज्य आसुवा धान आम ओडिशा राज्यर चाषी प्रकृत कष्टार्जित धन को आम वैध मानक दबू एवं प्रकृत चाषी मान दबू एवं प्रकृत आपण देखिए वेस्टर्न जिला मानक जो सरल धान आगु हुए नवेम्बर मस रु आम कलेक्शन हुए पखापाखी आम आहेड इन ऑल दी डिस्ट्रिक्ट सबू जिले आम आगे परसेंटेज अच्छा गत वर्ष तुलना